हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 22 नवंबर और 23 नवंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोज को तो रोज देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, तो उन्हें भी आप जरूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है सिम्बेक्स 20, वो आज से स्टार्ट हो रही है अंडमान सी के अंदर। तो इस पर बात कर लेते हैं। सो इंडियन नेवी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है सिम्बेक्स 20। अब देखिए, इन नाम कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सिम्बेक्स में एस जो है उसका मतलब है सिंगापुर, आई का मतलब है इंडिया, एम का मतलब है मैरीटाइम, बी का मतलब है बायलेटरल और ई एक्स का मतलब है एक्सरसाइज। और ये 27th एडिशन है, यानी 27th टाइम जो है इस तरीके से इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में एक्सरसाइज होने जा रही है। और ये कब तक चलेगी, 25th तक, यानी आज 23rd ऑफ नवंबर से 25th ऑफ नवंबर तक। तो 3 दिन की ये एक्सरसाइज है। और ये देखिए, 1994 से स्टार्ट हुई है एनुअली, उसके बाद से हर साल ये कंडक्ट की जाती है। और इसका मेन एम जो देखिए हर एक्सरसाइज का होता है, वो है एनहांसिंग म्यूचुअल इंटर ऑपरेबिलिटी एंड इम्बाइबिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईच अदर। जो जो भी देखिए किसी का स्किल सेट होता है, वो दूसरे में भी इम्बाइब कर रहा है, उन्हें सिखाना, यही देखिए इस तरीके से एक्सरसाइज इसका मेन एम होता है। और जो 2020 का एडिशन है ऑफ सिम्बेक्स विल विटनेस पार्टिसिपेशन बाय इंडियन नेवी शिप्स इंक्लूडिंग डेस्ट्रॉयर राणा विद इंटीग्रल चेतक हेलीकॉप्टर एंड इंडिजीनियसली बिल्ट कॉर्वेट्स कमोरोटा एंड कार्मोक। ठीक है, और COVID-19 को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइंस है उनका फॉलो किया जाएगा। तो 3 दिन की ये एक्सरसाइज है, 23rd ऑफ नवंबर से 25th तक चलेगी। ये 27th एडिशन है, यानी 27th टाइम जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। स्टार्ट हुई थी 1994 के अंदर। और एम मैंने आपको बताया, जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है, जैसे भी रिसेंटली जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी जिसमें इंडिया, अमेरिका, इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, वहां पे भी देखिए वो एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसी तरीके से ये जो एक्सरसाइज है, इसमें भी जो देखिए दोनों नेवीज का स्किल सेट है, ठीक है, वो एक दूसरे को सिखाना। और इससे देखिए ये भी पता चलता है कि कंट्रीज के रिलेशन कैसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस तरीके के से एक्सरसाइज नहीं सुनी होगी, या इंडिया चाइना के बीच में भी, क्योंकि ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है। तो जिन कंट्री के रिलेशन अच्छे होते हैं, उन्हीं के बीच में आपको इस तरीके की एक्सरसाइजेस होती हुई दिखेंगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट बात करें तो पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का यूपी के अंदर। तो दो डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें रखा है उन्होंने, वो है मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए विंध्याचल रीजन में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के। और जो प्रोजेक्ट का एम है वो है हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई कनेक्शन प्रोवाइड करना इन ऑल रूरल हाउस होल्ड ऑफ 2,995 विलेजेस। और जो उम्मीद है वो है कि इससे 42 लाख लोगों को जो है इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए सिटी एरियाज में तो हमें टैप वाटर सप्लाई हो जाता है, लेकिन जो रूरल एरियाज वहां पे आज भी देखिए लोग बाहर से कुएं से पानी चाहे भरते हैं या बाहर से ही लेते हैं, घर में टैप वाटर कनेक्शंस नहीं है। तो वो प्रोवाइड करने के लिए ये जो जल जीवन मिशन है, जिसकी अनाउंसमेंट खुद प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल 15 अगस्त को रेड फोर्ट से करी थी, तो उसका यही एम है, जो उसका टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हर रूरल हाउसहोल्ड में जो है टैप वाटर कनेक्शन सप्लाई करना। ठीक है, और इसके अलावा जो है उन्होंने कल विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी जो बनाई गई है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पूरे प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस की। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं, एक बार आपने टैप वाटर प्रोवाइड तो कर दिया लेकिन उसके कनेक्शंस लिए लोगों ने, नहीं लिए, उसके बाद उसमें पानी जो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर है वो मिल रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उसका पूरा ऑपरेशन और मेंटेनेंस को ये विलेज वाटर और सैनिटेशन कमेटी देखेंगी। तो उनसे भी उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मिर्जापुर और सोनभद्र के अंदर उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। और मैंने आपको जल जीवन मिशन का जो टारगेट है वो भी बता दिया, उसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 दिन की ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है केवड़िया के अंदर, गुजरात में। और आपको पता है केवड़िया वही जगह है जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सबसे बड़ा स्टैच्यू है वो केवड़िया के अंदर ही है। तो वहां पे ये 2 दिन की ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है 25 नवंबर को। और 26 नवंबर को आप सभी को पता होना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने उसे एनेक्ट किया था,
उसे एडॉप्ट किया था, तो इसीलिए हम 26 नवंबर को जो है हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, और जो इसका थीम है, थीम आप जरूर नोट डाउन कर ले, वो है हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्या पार्ट है और उनका हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो यही इस बार का थीम भी रखा गया है, और इसे इनॉग्रेट कौन करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को, खुद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है इसमें अपना इसे एड्रेस करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन। आगे बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इंडियन अमेरिकन माला एडिगा को अपॉइंट किया है जो बाइडन, जो कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उन्होंने पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पे ऑफ जिल बाइडन। पहले मैं आपको बता दूं, जो बाइडन की वाइफ है जिल बाइडन, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक बार जब जो बाइडन एक बार शपथ ले लेंगे प्रेसिडेंट की, तो जिल बाइडन जो है वो फर्स्ट लेडी बन जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स की, और उनकी पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, इंडियन अमेरिकन माला एडिगा को। इससे पहले देखिए, अगर बात करें इनके करियर के बारे में, तो ये सीनियर एडवाइजर भी रही हैं जिल बाइडन की, और इसके अलावा सीनियर पॉलिसी एडवाइजर जो भी हाल ही में कैंपेन हुआ था इलेक्शंस का, बाइडन कमला हैरिस कैंपेन का भी है, इन्होंने एज अ सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने परफॉर्म की हुई है। इसके अलावा इससे पहले ये डायरेक्टर रह चुकी है फॉर हायर एजुकेशन एंड मिलिट्री फैमिलीज एट द बाइडन फाउंडेशन, और इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एज अ काउंसिल टू द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। तो अब इनको काफी इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फर्स्ट लेडी जो यूनाइटेड स्टेट्स की होंगी जिल बाइडन, उनके पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर, और क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। आप यहाँ पर उनकी फोटो देख सकते हैं। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है एनसीसी कैडेट कॉर्प्स 72nd रेजिंग डे, जो कि हम हर साल 22nd of November को ऑब्जर्व करते हैं, और 72 साल हो गए इसको फॉर्म किए हुए एनसीसी को, नेशनल कैडेट कॉर्प्स को, और जो कि आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड का, जो कि यूथ विंग है आर्म्ड फोर्सेस की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये ओपन है टू स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। तो जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो आपको पता होगा कि इस तरीके से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती थी एनसीसी का पार्ट बनने के, स्कूल से लेके कॉलेज टाइम पे, ठीक है। और इनका देखिए, आपको पता है, एक जैसे भी हाल ही में इन्होंने जो भी कोविड-19 पेंडेमिक में काफी एक इम्पोर्टेंट कोरोना वॉरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है परफॉर्म की है, जहाँ पे इन्होंने अवेयरनेस स्प्रेड की अबाउट मेजर्स टू फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक, चाहे वो मास्क को लेके हो, सोशल डिस्टेंसिंग। तो क्योंकि देखिए, सिटीज में तो इजी होता है इंफॉर्मेशन हमें टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट से पता चल जाती है, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन का स्प्रेड हो, ठीक है। इसलिए वहां पे इनका एक काफी इंपॉर्टेंट एक रोल होता है एनसीसी कैडेट्स का। इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे भी स्वच्छता अभियान था, मेगा पोल्यूशन पखवाड़ था, ठीक है, या डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं उसको भी ये स्प्रेड करते हैं, इसके बारे में न्यूज जो होती है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो ये यूथ विंग है आर्म्ड फोर्सेस की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और 22nd of November को जो है हम इसका रेजिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। तो यानी ये इस साल जो है 72nd रेजिंग डे था, यानी 72 साल हो गए इसको फॉर्म किए हुए, ठीक है। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विजुअल्स कोहिमा के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया था, कुछ एनसीसी के आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे इंडिया में जगह जगह पे स्कूल्स कॉलेजेस में जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इस बार खैर क्योंकि कोविड को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस को इतने बड़े लेवल पे इसे ऑब्जर्व नहीं किया गया, लेकिन हर साल जो है, चाहे वो एनसीसी का हो गया या इसके अलावा आर्मी का, इन सब के हम रेजिंग डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका आप नोट डाउन कर ले, एनसीसी का है 22nd of November, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार पीछे चलते हैं, जिससे पहले के हमने अपडेट्स देखे उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा। इससे पहले मैंने आपको बताया था इंडियन अमेरिकन माला एडिगा के बारे में, जिन्हें अपॉइंट किया गया पॉलिसी डायरेक्टर ऑफ जिल बाइडन, जो कि पहली लेडी होंगी, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एक बार जो बाइडन शपथ ले लेते हैं उसके बाद, ठीक है। देन मैंने आपको बताया 2 डे की ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस, जो कि केवड़िया के अंदर ऑर्गेनाइज की जा रही है इन गुजरात, और मैं आपका थीम भी से नोट डाउन कर ले, और हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन ऑब्जर्व करते हैं 26th of November को, ठीक है। मैंने आपको बताया जो फाउंडेशन स्टोन रखा है पीएम मोदी ने 2 डिस्ट्रिक्ट में यूपी के अंदर, और जो एम है जल जीवन मिशन का, उसके तहत 2024 तक हर घर में टैप वाटर सप्लाई करने का टारगेट रखा गया, तो उसके तहत ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ये वाटर ये फाउंडेशन स्टोन रखा है। फिर आखिरी मैंने आपको बताया था सिम्बेक्स 20, जो कि बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर नेवी के बीच में, वो आज से स्टार्ट हो रही है अंडमान सी के अंदर, ये 3 दिन तक चलेगी, ठीक है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें,
और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पर वीडियोस भी लगातार मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो हमारे वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग जरूर विजिट करें, क्योंकि वहां पर आपको 6 मंथ्स 1 ईयर के कोर्सेज मिल जाएंगे जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स तो मिलता ही है। इसके अलावा लाइव क्लासेज हम रेगुलरली आपके लिए कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, ई बुक्स दी जाती है, आपको पूरा एक तरीके से 1 साल के लिए इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आप वेबसाइट जरूर विजिट करें takshilalearning.com। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Thank you.